मंदसौर के ग्राम अलावदा खेड़ी में गुरुवार रात को फिर दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत, कुत्ते एवं पशुओं का किया गया शिकार। मंदसौर के ग्राम अलावदा खेड़ी में गुरुवार की रात को तेंदुआ दिखने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों में डर का माहौल बन गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए रहवासियों द्वारा शुक्रवार को बताया कि गुरुवार की रात को फिर तेंदुआ देखा था और कुत्ते पर हमला कर रहा था और आए दिन तेंदुआ क्षेत्र में नजर आ रहा है। पूर्व पार्षद विजय गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और ग्रामवासियों से चर्चा की, जिसमें बताया कि 50 से 60 कुत्तों पर हमला किया है और उनका शिकार तेंदुआ कर चुका है और 20 से 30 पशुओं की जान भी ले चुका है और उनका भी शिकार कर चुका है एवं लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग द्वारा जो पिंजरा लगाया है यहाँ पर, वो भी काफ़ी पतली जालियों का है, जिसमें बकरा या बकरी कुछ भी रखते हैं तो दिखाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी जनहानि होगी, उसके बाद ही वन विभाग यहाँ पर जागेगा। इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। ग्रामवासी महिला भगवती भाई द्वारा शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गुरुवार की रात को फिर तेंदुआ नजर आया था और लोगों में डर का माहौल है, इसलिए तेंदुए को पकड़कर अन्य जगह छोड़ना चाहिए। क्षेत्रवासी अंगुरवाला युवती द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देर रात को हम लोगों ने हमारे घर के पास में ही एक कुत्ते पर तेंदुआ हमला कर रहा था ऐसा देखा और हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए ऐसे तेंदुओं को पकड़कर अन्य जगह छोड़ना चाहिए। पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में नीलगाय भी होती थी, पर अब यहाँ पर नीलगाय की संख्या भी कम होने लगी है क्योंकि उनका भी शिकार तेंदुए द्वारा कर लिया गया है। इस तेंदुए से ग्रामवासी लगभग 3 से 4 महीने से परेशान है और लोगों में डर का माहौल है। उज्जैन टीम यहाँ पर तेंदुओं को पकड़ने के लिए आई थी पर उनको तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। मंदसौर ग्राम अलावदा खेड़ी में तेंदुए की खबर के बाद मंदसौर कलेक्टर एवं वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में ग्रामवासियों का आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द तेंदुओं को पकड़ लिया जाएगा, पर अभी भी वन विभाग के हाथ तेंदुए तक नहीं पहुंचे हैं और रोजाना यहां पर आए दिन तेंदुआ ग्रामवासियों को नजर आ रहा है। यहाँ तेंदुआ आता है 8:30 बजे और कुत्ते पे जून करता है। क्या देखा आपने रात में? तेंदुआ। हाँ, क्या कर रहा था वो टेकड़ा पे बस दौड़ कर रहा था। क्या डर लग रहा है? हाँ, डर तो लगे सर। क्या डर लग रहा? कभी हमारे पड़ जा गाय भैंस पे, बकरा बकरी पे, हमारे पे सब भारी बंदर है, छोटे बच्चे मेरे। हाँ, डर लगती है हमको। क्या चाहते हो? उनको पकड़ लो। ग्रामवासियों ने मुझे बताया कि पुनः कल रात को 8 बजे के लगभग यहाँ पे तेंदुआ दिखा था और यहाँ पे भय का वातावरण निर्मित हो गया था। तो पिछले लगभग 3 से 4 महीने से तेंदुआ यहाँ पे घूम रहा है। माननीय कलेक्टर साहब ने भी यहाँ पे मौके का निरीक्षण किया था और उज्जैन की टीम भी आई थी जो सर्च करके और चली गई। कहीं ना कहीं इसमें जो है फॉरेस्ट विभाग की, वन विभाग की लापरवाही भी नज़र आ रही है कि आज 4 महीने हो गए और वो इस तेंदुए को पकड़ने को लेके कहीं गंभीर नहीं है। उनके पास जो पिंजरा है, ऐसा बताया इन ग्रामवासियों ने कि वो उसमें पतली पतली जालियां लगी हुई है, ये लोग बकरी भी अगर उसमें लगाते हैं तो वो आर पार दिखता ही नहीं है, तो तेंदुए को दिखेगा तो वो आएगा कैसे। और ये जब लोग वन विभाग के अधिकारियों को सूचना करते हैं तो बोलते हैं कि हम आ रहे और वो बोलने के बाद कई देर बाद वो आते हैं और यहाँ पे घूम के और वो चले जाते हैं। निश्चित तौर से जब पिछले 3 से 4 महीने में तेंदुए ने 50 से 60 कुत्ते यहाँ पे मार दिए हैं और 20 से 30 गायों के लगभग उसने यहाँ पे मार दिए हैं, अभी तक कोई जनहानि हुई नहीं है, है ना। लेकिन जिस तरह से वन विभाग यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि वो कोई मनुष्य की जनहानि का इंतजार कर रहा है। और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं ये जो तेंदुआ यहाँ पे घूम रहा है जनहानि कर सकता है, और अगर एक बार उसने जनहानि कर दी तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगी। और चूंकि पिछले दिनों ये अभिनंदन क्षेत्र में भी आ गया था, कर्मचारी कॉलोनी के पीछे आ गया था, 500 मकान के ऊपर वहाँ पे इसको पेड़ पे देखा था, तो ये घनी आबादी में भी आ गया था। उस बात को भी आज 1 महीना बीत गया है और उसके बाद भी अभी तक ये पकड़ा नहीं गया है। तो मेरा ये कहना है कि कलेक्टर साहब ने यहाँ पे सर्वे किया था, उज्जैन की टीम आई थी, सब कुछ हुआ, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी है वो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। उनको तत्काल ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे सर्च की अपनी स्पीड को, गति को बढ़ाना चाहिए, आधुनिक जो उपकरण है उसका उपयोग करके तेंदुए को पकड़ना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। क्या डर लग रहा है?
तेंदुआ देखा था हमने रात को 8 बजे, हमें डर लग रहा था, तो आप उनको पकड़ लो ना।